चलो दोस्तों, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 15। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू क्रिएट लिनक्स प्लेटफॉर्म विद इन 10 सेकेंड फॉर कमांड प्रैक्टिस। क्या मीनिंग है? आप लिनक्स का प्लेटफॉर्म विद इन 10 सेकेंड में क्रिएट कर सकते हैं अपनी कमांड की प्रैक्टिस करने के लिए। फायदा क्या क्या है इसका? पहला फायदा बताता हूँ। पहला फायदा ये है, आप इंटरव्यू में गए, ठीक है, इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दिया, कमांड आपने उसे वर्बली कमांड बता दी, इंटरव्यूअर को लगता है कि आप गलत कमांड बता रहे हो। कैसे प्रूफ करोगे इंटरव्यूअर को? प्रूफ करने के लिए फिर आपको लिनक्स प्लेटफॉर्म चाहिए। लिनक्स प्लेटफॉर्म चाहिए मतलब आप इंटरव्यू में लैपटॉप कैरी करके जा रहे हो, यही चाहिए ना। मान लो आप इंटरव्यू में लैपटॉप कैरी करके नहीं गए, फिर आपको लिनक्स प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगी? फिर एक ऑप्शन है, आप इंटरव्यूअर से बोलो कि आपके लैपटॉप में अगर लिनक्स है तो मैं वहां पे रन करके दिखा देता हूँ, या फिर आप मुझे एक ऐसा सर्वर दे दो, ऐसा लिनक्स प्लेटफॉर्म का मशीन दे दो जहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, या फिर आप उनसे ये बोलो कि मेरा AWS क्लाउड में अकाउंट है, मैं AWS क्लाउड में एक लिनक्स स्पेस VM क्रिएट करता हूँ, उस पर आपको कमांड रन करके दिखा देता हूँ। यही है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने आपको लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म दे दिया तो ठीक है, इंटरव्यूअर के लैपटॉप में अगर VMware इंस्टॉल है, उसके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल है तो दे दिया तो ठीक है। इंटरव्यूअर ने अगर आपसे बोला कि ठीक है क्लाउड पे VM बना लो तो ठीक है, लेकिन क्लाउड पे भी अगर आप VM बनाने की बात करो तो वहां पर भी 5 मिनट्स तो लगेंगे। विद इन 10 सेकेंड आपको लिनक्स प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? क्वेश्चन ये है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा विद इन 10 सेकेंड आप लिनक्स प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, उस पे अपनी लिनक्स की कमांड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इंटरव्यू में विद इन 10 सेकेंड इंटरव्यूअर को ये बोलें, आप मुझे अपना लैपटॉप या कोई एक ऐसा सिस्टम मुझे दें जिसमें ऑनलाइन इंटरनेट चल रहा है, मैं विद इन 10 सेकेंड में आपको एक कमांड चला के दिखा दूंगा प्रूफ करके। मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं AWS में VM बनाऊंगा तो 5 मिनट लगेंगे, मैं वो टाइम आपका नहीं खाऊंगा, 10 सेकेंड में आपको करके दे दूंगा। तो कैसे 10 सेकंड में आप लिनक्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये बेनिफिट हो गया। अगला बेनिफिट कहाँ होगा? अगला बेनिफिट उन बंदों को होगा, कई ऐसे बंदे होते हैं जो अभी डेवॉप्स में इंटर कर रहे हैं। तो आप लोग अभी डेवॉप्स में इंटर कर रहे हैं, तो डेवॉप्स का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? लिनक्स, ठीक है। तो लिनक्स इंस्टॉलेशन मैंने सिखाया, VMware के ऊपर इंस्टॉलेशन बताया, बट VMware के ऊपर लिनक्स इंस्टॉलेशन अगर करना है तो उसके लिए आपका जो लैपटॉप है, आपका पर्सनल डेस्कटॉप है, उसका हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर आपका हार्डवेयर अच्छा नहीं है तो VMware भी इंस्टॉल नहीं होती है और VMware के ऊपर VMs भी क्रिएट नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू आता होगा। तो अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप है, मिनिमम 4 GB रैम है, i3 प्रोसेसर है, आपका मदरबोर्ड का जो बायोस है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, तो आप VMs इंस्टॉल कर लेते हैं, उस VMware इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके ऊपर VMs क्रिएट करते हैं, उस पर लिनक्स रन करते हैं। लेकिन कई लोगों के पास हार्डवेयर अच्छा नहीं है, राइट, वो कैसे लैब करेंगे? उनके लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि क्लाउड पे जाएं, VMs क्रिएट करें। लेकिन क्लाउड पे जाकर VM क्रिएट करना मतलब, पहले क्लाउड पे जाइए, अकाउंट क्रिएट करिए, बिलिंग अकाउंट क्रिएट करिए, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करिए, फिर VMs बनाइए, और मान लो VMs बना के आपने डिलीट करना भूल गए तो उसके बिल्स आ जाएंगे। और अभी आपको पास AWS की नॉलेज नहीं है कि आप ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओ, क्योंकि आपने तो अभी अभी डेवॉप्स में एंटर किया है, पहला स्टेज तो लिनक्स ही चल रहा है, फिर ओ AWS में VMs कैसे बनाना वो भी सीखना पड़ेगा, अकाउंट कैसे क्रिएट करना वो भी सीखना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेज करना, बिलिंग सेट करना। तो अभी तो आप AWS स्टेज तक पहुंचे नहीं हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेसिक लेवल पे देखें तो। अगर बंदा अभी 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 डेवॉप्स में एंटर कर रहा है, पहला स्टेज लिनक्स पढ़ रहा, और अगर मैं लिनक्स में आपको सीधे बोलूँ कि जाओ भाई VM आपके पास ये चीज नहीं है, हार्डवेयर अच्छा, तो AWS में VM बनाओ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। VM बनाने से पहले अकाउंट क्रिएट करना, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालना, और अभी आप AWS में इतना फैमिलियर हो नहीं कि आप ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। हाँ, अगर आपको AWS आता है तो बेस्ट भी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन AWS में भी आपको VM लेने के लिए 5 मिनट लगता है। तो आज मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ विद इन 10 सेकेंड में आपको लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म मिलेगी, वहां लैब करो, बात खत्म। कभी भी आप ग्रुप में बैठे हुए हो, ग्रुप डिस्कशन चल रहा, कुछ कमांड प्रूफ करके दिखानी है,
विद इन ए 10 सेकंड में आपको लिनक्स प्लेटफॉर्म मिला, उस पर कमांड रन करके प्रूफ करके दे दिया। हाँ, इंटरनेट रिक्वायर्ड है, इंटरनेट होना आपके पास चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ भाई, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है काटा कोडा। क्या? काटा कोडा। दिखाता हूँ इंटरनेट में चल के। आप इंटरनेट में आए, सीधे यहां पर रन आपको टाइप करना है, काटा कोडा सेंटोएस, ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करें। आपको यहां पे मेरा अकाउंट लॉग इन है, आपको एक बार फर्स्ट टाइम लॉग इन करना पड़ेगा, तो ये लॉग इन बटन में क्लिक करना। लॉग इन करने के लिए आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो अपना, क्रिएट अकाउंट में जाके, या फिर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप वहां से साइन अप, लॉग इन विथ गूगल से कर सकते हो, लिंक्डइन से भी कर सकते हो, फेसबुक से भी कर सकते हो, ट्विटर से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लॉग इन विथ गूगल कर रहा हूँ, गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लिया आपने। ठीक है, लॉग इन हो गया। लॉग इन होने के बाद आप देखो यहां पर आके ना आप सर्च कर सकते हो। देखो लॉग इन हो गया, लॉग इन हो गया, तो यहाँ पे आप सर्च करो आपको चाहिए क्या, सेंट ओएस चाहिए, उबंटू चाहिए, क्या चाहिए। मैंने बोला सेंट ओएस चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ पे हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाते हैं बने बनाए। ठीक है, सेंटोएस सर्च कर लें, या फिर आप यहाँ पे योर प्रोफाइल पे आ जाए, थोड़ा ब्राउज करें इसको, अच्छा रहेगा आपको भी। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च ना करें, पहले अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर लें, योर प्रोफाइल। मेरा थोड़ा इंटरनेट का इस वजह से टाइम ले रहा है। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल पहले से सेट है, आप लोग अपनी कर लेना। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग में क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक बार आपको प्रोफाइल सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना आप सेंट ओएस, तो ये देखो सेंट ओएस आ गया, लर्न सेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया स्टार्ट कोर्स में, उसके बाद ये उबंटू आ गया, मैंने सेंट ओएस स्टार्ट कोर्स में क्लिक किया। उसके बाद प्ले ग्राउंड में क्लिक करना, एक्सप्लोर प्ले ग्राउंड, और ये स्टार्ट सिनेरियो में क्लिक करना, बस आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सारी कमांड यहाँ पे परफॉर्म करना। और थोड़ा सा बैठ के इसको ब्राउज करना अपने एंड से भी, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डॉकर कुबरनेटीज प्लेटफॉर्म बना बनाया मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। देखो मिल गया। ठीक है, सारी कमांड आप यहाँ पे चला सकते हो, एलएस चल रही है, टच चलाओ, एबीसी, एमकेडीआईआर। ठीक है, इसको बड़ा करना तो ऐसे ही, देखो बड़ा कर लो, फील ही नहीं होगा आपको कि आप काटा कोडा में बैठे हो या वीएम पे बैठे हो। एमकेडीआईआर इंडिया, ठीक है, कैट कमांड आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, वो सारी चीजें यहाँ पे रन कर लो, कैट पास WD, ये देखो पॉप, बहुत ही बढ़िया है, क्लियर कमांड, कैट -n, ये देखो फिर क्लियर कमांड, हेड चलेगा, सब चल जाएगा यहाँ पे, हेड ATC पास WD NL टेल। ठीक है, हिस्ट्री देखो कितना बढ़िया है, डेट टाइम डेट CTR, फील हो रहा है कि काटा कोड में बैठा हूं? नहीं हो रहा ना, बढ़िया है, करो इसमें अपनी लैब, सारी कमांड की प्रैक्टिस में कर लेना, जब हो जाए तो बंद कर देना, फिर जैसे हो गया ना काम, बस लो बंद हो गया, हो गई लैब। जरूरी नहीं है कि VM ओपन करो, यहाँ जाओ VMware ओपन करो, फिर VM खोलो, कितना टाइम लगता है, AWS में जाके VM बनाओ कितना टाइम लगे, काटा कोडा बेस्ट, यहाँ जाओ इंटरनेट खोलो, सीधे क्या करो, काटा कोडा सेंटोस ओपन किया, यहाँ क्लिक किया,
मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल लॉग इन है, तो सीधे ये देखो लास्ट टाइम खोला तो यहाँ पर आ गया, सीधे यहीं से क्लिक कर लेता हूँ, सर्च करने की भी जरूरत नहीं है अब तो। तो ये जो काटा कोडा है बनाया गया था ना दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बनाया गया था। जो लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते थे ना एप्लीकेशन वगैरह, उनको टेस्टिंग करने के लिए लिनक्स प्लेटफॉर्म चाहिए होता था, तो बहुत टाइम लगता था लिनक्स प्लेटफॉर्म तैयार कर, काटा कोडा में जाइए फट से मिल जाता है ये उनके लिए, तो उसका बेनिफिट हम लोग भी ले लेते हैं लिनक्स कमांड की प्रैक्टिस करने के लिए, समझ आ गई। तो बहुत लोग इसको यूज करते हैं काटा कोडा को, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं इंडस्ट्री में। कभी आप मीटिंग्स में बैठे हो, कभी ऐसी कोई कमांड है जो अपने बॉस को शो करनी है, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, नॉट अ मिनट, आपको लिनक्स प्लेटफॉर्म मिल जाती है, ये देखो समझ आ रही है। दो दो टर्मिनल भी खोल सकते हो, ये देखो सारा ऑप्शन है यहाँ पे, तो बहुत काम का है। कंपनी में रहोगे तो भी काम का है, लर्निंग के टाइम पे भी काम का है, कमांड की प्रैक्टिस के लिए। तो बेस तो समझते ही जा रहे हो, बेस मतलब कैसे लिनक्स की इंस्टॉलेशन है सब तो सिखा ही रहा हूँ, ये भी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। और जब क्लाउड तक पहुंचेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं भाई, लेकिन अभी तो क्लाउड तक पहुंचे नहीं, अभी तो बिगनर पे चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये प्लेटफॉर्म कैसे विद इन ए सेकेंड, 10 सेकेंड में आप लिनक्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल आएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो मैं इसलिए बनाया क्योंकि एक बंदे का मैसेज आया कि सर मेरे पास हार्डवेयर सफिशियंट नहीं है, कैसे करूं, क्या मैं क्लाउड पे जाके वीएम बना के करूं, एडब्ल्यूएस में जाके। तो मैं बोलता हूं कि क्लाउड पे भी जाके वीएम बनाने की जरूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म को यूज कर ले, जब क्लाउड पढ़ाऊंगा तो तब करना, क्योंकि अभी तुझे नहीं पता कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं प्रॉपर टाइम पे, लैब होने के बाद बंद होना चाहिए नहीं तो अननेसेसरी बिल आ जाएगा, आपके अकाउंट से बिल कट जाएगा, तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो अभी तो वहां तक हमने पहुंचे ही नहीं, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यूज करो काटा कोडा को, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक भी दोस्तों।